भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए शतक जड़ दिया है। ये रोहित शर्मा का विदेशी धरती पर पहला शतक है। भारतीय टीम के नज़रिए से 127 रनों की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने कहा कि 2019 में वे टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रोहित शर्मा ने अपने करियर की 8वीं और विदेशी धरती पर पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई। शतक के बाद रोहित शर्मा ने कहा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे पास ये आखिरी मौका है कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। जब मुझे पहली बार ओपनिंग करने के लिए कहा था, मुझे तभी पता था कि इस पोजीशन पर मैनेजमेंट में काफ़ी बातें होती है, तो मानसिक रूप से मैं इसके लिए तैयार था और मैंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। मुझे पता था कि मेरे लिए ये आखिरी मौके की तरह है, अगर मैं यहाँ रन नहीं बना पाया तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रन नहीं बनाए, लेकिन भारतीय टीम को काफ़ी दिनों से एक सॉलिड ओपनर की ज़रूरत थी, जिसे शायद धीरे धीरे ही सही लेकिन रोहित शर्मा अब इसे पूरा करते नज़र आ रहे हैं। अपनी पारी के बारे में रोहित शर्मा ने कहा, विदेशी धरती पर खेलना हमेशा ही मुश्किल होता है और एक प्लान के साथ यहाँ बल्लेबाजी करनी होती है। मुझे याद है जब मैंने ओपनिंग की शुरुआत की थी तो अपनी बल्लेबाजी में मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू किया था। पूरे साल भर जब आपको विदेशी धरती पर खेलना होता है तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी सीखनी पड़ती है। रोहित शर्मा के इस शतक के बाद अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में पहुँच गई है और यहाँ से भारतीय टीम के फैंस जीत की उम्मीद लगा रहे हैं।